दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम यहाँ पर नए बिजली के कनेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको नया बिजली का कनेक्शन किस तरह से मिलता है या किस तरह से अप्लाई किया जाता है, एक नया मीटर कनेक्शन आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर बात करने वाले हैं हम टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड यानी कि TPDDL TPDDL के बारे में बात करेंगे कि इसमें आप एक नया कनेक्शन कैसे अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन सिर्फ कुछ मिनटों में। यहाँ गूगल पे आप जब TPDDL टाइप करते हैं, टाइप करके सर्च मारते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है आपको कनेक्शन रिलेटेड सर्विस। यहाँ पे आप देखेंगे कनेक्शन रिलेटेड सर्विस मिलता है। जब आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, और यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शन मिलता है इस पेज पे, इसके अंदर आपको सबसे पहले तो न्यू कनेक्शन मिलता है जिसके बारे में हम अभी यहाँ बात करने वाले हैं, फॉर्म भर के हम उसको अप्लाई करने वाले हैं। उसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन और मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि नए कनेक्शन के अलावा इनमें से कोई ऐसी चीज़ है जो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन को चुन के अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ बात करेंगे नया कनेक्शन अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे जो ये पेज मिलता है यहाँ पे आपको बताया जाता है कि अगर आप एक नया कनेक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। जैसे यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रूफ आप देख रहे हैं इनमें से कोई एक या दो आपके पास है तो आप जो है एक नया मीटर कनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है, DL होता है, राशन कार्ड होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो इस तरह की चीज़ें आप अगर है तो एक नया कनेक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी होती हैं वो हम आगे बात करेंगे जब हम इसका फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं अप्लाई कनेक्शन फॉर 1 kW to 100 kW। तो जनरली हम इसी पे क्लिक करके अप्लाई करते हैं, यही होता है जो डोमेस्टिक कनेक्शन होता है उसके लेने के लिए हम यहाँ 1 kW से 100 kW वाला जो ऑप्शन है उसको चूज करते हैं, और ये चूज करने के बाद हमें इसको अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डोमेस्टिक बता रहा है, नॉन डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक तो सबको पता है घरेलू इस्तेमाल के लिए होता है, नॉन डोमेस्टिक होता है कमर्शियल यूज हो गया, जो कमर्शियल मीटर लगते हैं उसके लिए ये भरना है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर है, ई व्हीकल है, इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अब यहाँ डोमेस्टिक पे क्लिक करना है। डोमेस्टिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अब ये बता रहा है कि क्या आपका पेंडिंग है, आप पहले अप्लाई कर चुके हैं तो आप यहाँ से पेंडिंग एप्लीकेशन जो कि आपने बीच में छोड़ी होगी तो वहां से दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज न्यू एप्लीकेशन। तो हमारा न्यू एप्लीकेशन है, न्यू एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल के OTP सेंड करते हैं। देखिए OTP जनरेटेड सक्सेसफुल, जैसे ओके करेंगे तो यहाँ OTP आ जाएगा और उस OTP के आपको डाल देना है। उसके बाद गो का बटन मिलता है, गो करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी डिटेल भरनी है। ठीक, एक नए कनेक्शन के लिए ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ ऊपर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, योर ड्राफ्ट हैज बीन सेव विद एप्लीकेशन आईडी। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी मिल गई है। ठीक, मोबाइल नंबर आपका दिया हुआ है, इससे आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म बीच में छोड़ देते हैं या आधा भर के छोड़ देते हैं तो ये आपके काम आएगा, इसलिए इसको जरूर नोट कर लें। एप्लीकेशन आईडी बहुत जरूरी है दोस्तों, इसको जरूर नोट कर लें, इससे ही आपका सारा काम आगे होगा। तो यहाँ पे आपको बस अपने जिसके नाम से कनेक्शन लग रहा है, जिसके नाम से कनेक्शन ले रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आपको डाल देनी है। ठीक, चलिए पहले मैं इस डिटेल को भरता हूँ, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो देखिए मैंने इस फॉर्म को भर दिया है। यहाँ पे सबसे जरूरी क्या है दोस्तों, एक तो जिसके नाम से मीटर अप्लाई कर रहे हैं उसकी डिटेल मैंने बताया आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ नाम डालने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे रिलेशनशिप, और यहाँ पे जो प्रीवियस ओनर नेम है, यहाँ पे देखिए प्रीवियस ओनर नेम। अब देखिए यहाँ पे चीज़ को समझ लीजिए कि आप मीटर का, जब बिजली का जो मीटर नया मीटर है, नया कनेक्शन है, वो तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका फ्लैट मकान बन के तैयार हो गया हो, मतलब खाली जमीन में, खाली प्रॉपर्टी में आप मीटर अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब आपका फ्लैट तैयार हो जाता है, बन जाता है, तो यहाँ पे प्रीवियस ओनर का नाम बताना है। अगर आपने मकान परचेज किया है तो प्रीवियस ओनर का नाम बताना पड़ेगा। अगर आपने जो ज़मीन है वो परचेज करने के बाद आपने घर बनवाया है तो यहाँ पे आप जमीन के मालिक का पुराना नाम डाल सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ अपना नाम भी डाल सकते हैं, चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ओनर्स नेम शुड मैच विद प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी का नाम है ना, प्रॉपर्टी के पेपर जो होंगे उसमें भी ये होगा कि आपने किससे परचेज किया है। ठीक, अगर ऐसा नाम है प्रॉपर्टी के पेपर में तो आप उसका नाम यहाँ पे डालिए, प्रीवियस ओनर। ठीक है, जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिलेशन टाइप बताता है कि जिससे आपने जो मकान परचेज किया उसका आपसे रिलेशन क्या है। ठीक है,
तो फिलहाल मैंने यहाँ कमर्शियल कॉन्टैक्ट पर्सन डाल दिया, यहाँ पे भी कमर्शियल कॉन्टैक्ट पर्सन डाल दिया है, और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया है रिलेशनशिप नेम में कमर्शियल कॉन्टैक्ट। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अथोराइज सिग्नेटरी में आप जो ऑनर है, जो अभी फिलहाल जो करंट ऑनर है उसका नाम डाल दीजिए, ईमेल आईडी डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद वेरीफाई करना है। ठीक है, जैसे आप इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक ओटीपी जो है वो सेंड हुआ है, कहाँ पे, ईमेल आईडी पे, ईमेल आईडी पे सेंड हुआ है, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी करना है आपको, अगर आपको ओटीपी नहीं मिलता है तो आप रीसेंड कर सकते हैं, अगर मेल आईडी गलत हुई है तो रीसेट करके मेल आईडी चेंज कर सकते हैं, वैलिडेट कर देते हैं, ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक, ओके, तो हमारा ये वाला काम हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आ कह रहा है सेव पर्सनल डिटेल फॉर नेक्स्ट, तो इसको हम सेव कर देंगे, ये सेव हो चुका है, यहाँ तक डॉक्यूमेंट आपका सेव हो चुका है। अगर आप चाहें तो बीच में अगर आप फॉर्म छोड़ देते हैं तो दोबारा जब स्टार्ट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म आपका यहाँ सेव हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पे कनेक्शन डिटेल भरनी है, नेक्स्ट जो होगा, पर्सनल डिटेल हम पूरा कर चुके हैं, कनेक्शन डिटेल भरनी है, जिसके अंदर आपको डोमेस्टिक, क्योंकि हम डोमेस्टिक ले रहे हैं तो डोमेस्टिक लाइटिंग करनी है, पर्पस ऑफ कनेक्शन क्या है, रेजिडेंशियल है, ठीक, अगर कोई रिलीजियस प्लेस है तो वो है, अदरवाइज रेजिडेंशियल, तो हमारा रेजिडेंशियल है। यहाँ पे आपको डालना है पैन नंबर, जो कि आप डाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। जहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये जो रेड स्टार यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है मैंडेटरी होता है, इसको भरना ही होता है, बाकी चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किलोवाट एक, ये परमानेंट है या टेम्परेरी, तो हमारा परमानेंट रहेगा। सब्सिडी ऑफ यस, क्लासिफिकेशन प्राइवेट है, मीटर कनेक्शन प्रीपेड है, और यहाँ पे अकोमोडेशन क्या है, ओन्ड है, अपना खुद का है, तो हमने ये भर दिया है, इनको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बहुत ही खास चीज़ पूछी गई है कि आपका अगर कनेक्शन परमानेंट है, क्योंकि आप मीटर जो लगवा रहे हैं परमानेंट लगवा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इस पे चेक मार्क करना होता है, अर्थिंग पे भी करना होता है, और ये क्या होता है कि जो वायरिंग है, ये कह रहा है कि आपके जो फ्लैट में, चाहे वो नया बनाया या पुराना, इंटरनल जो वायरिंग होती है, इंटरनल वायरिंग होती है ना, जो हम पाइप डल के कनेक्शन होता है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपके फ्लैट की, आपके घर की जो इंटरनल वायरिंग होती है वो डली है या नहीं है, तो यहाँ पे आपको टिक करना है, इन तीनों पे टिक कर दीजिए कि मेरे घर में जो है इंटरनल वायरिंग भी कंप्लीट हो गई है, वायरिंग डल चुकी है, अर्थिंग डल चुकी है। ठीक है, इस तीनों पे आपको क्लिक करना है, बताना होता है उनको, अगर आप इस पर क्लिक नहीं करते तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, आप सेव नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इसको सेव कर दीजिए, तो ये देखिए ये डिटेल भी सेव हो गई है। अब जो आता है सप्लाई एड्रेस डिटेल, अब आपको यहाँ पे एड्रेस देना, तो देखिए यहाँ पे तीन चीजें हमें भरनी होती है, हम पर्सनल डिटेल भर चुके हैं, कनेक्शन डिटेल भर चुके हैं, अब सप्लाई एड्रेस, एड्रेस भरना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एड्रेस सिलेक्ट करना है, एरिया सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस भर देना है, एड्रेस भरने के बाद यहाँ पे आपको जो जरूरी चीजें हैं वो डाल देनी है। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये भरना भी जरूरी है, यहाँ पे मेरा जो है ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। एडिशनल एड्रेस अगर आप चाहें तो नियर बाई जो होता है वो डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, टोटल एरिया जो है स्क्वायर में है, किस में है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। टोटल एरिया आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे स्क्वायर यार्ड में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पोर्शन बताना है कि लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। ठीक है, तो ये है मिडल, इस तरह से करके आप इसको सेव कर दीजिए, तो ये भी देखिए डिटेल सेव हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है वो डॉक्यूमेंट डिटेल आता है, जहाँ पे आपको अपनी फोटो डालनी होती है, अपना सिग्नेचर डालना होता है, ये छोड़ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ बताना पड़ेगा कि कौन सा आईडी प्रूफ डालना है आपको, या ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद प्रॉपर्टी का पेपर जो होता है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कितने पेज का है वो बताना है, आपका जो प्रॉपर्टी का पेपर है वो कितने पेज का है वो बताना है, और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है इसके नीचे। यहाँ पे देखिए इस तरह से इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे ओनरशिप, योर ओनरशिप स्टेटस ऑफ द सप्लाई, यहाँ पे खुद का यहाँ पे को ओनर है कि ओनर है वो बताना है, और यहाँ पे आपको मिसलेनियस डॉक्यूमेंट, अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको लगता है कि इसके साथ साथ मुझे ये भी अपलोड करना है, तो वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं।
अप्लाइड एरिया इक्वल और मोर देन 500 स्क्वायर मीटर, अगर इससे ज़्यादा है यहाँ पे यस करते हैं तो आपको यहाँ पे एफिडेविट जो है वो अपलोड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मुझे नो करना है क्योंकि मेरा इससे ज़्यादा नहीं है। अगर यहाँ पे मैं यस करता हूँ टोटल एरिया इक्वल टू मोर देन 1000 स्क्वायर मीटर, अगर यहाँ पे यस करते हैं तो यहाँ पे भी आपको एफिडेविट जो है वो डालना पड़ता है। तो मेरा इससे ज़्यादा नहीं है इसलिए हम दोनों पे नो कर देंगे। नो करने के बाद आपको इस डॉक्यूमेंट को सेव कर देना है, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक कैप्चा डालना है। तो कैप्चा डालने के बाद जब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको चेकमार्क करेंगे तो उससे चेकमार्क करने से पहले आपको ये टर्म एंड कंडीशन ओपन करना है। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है, भर लेना है, इसको साइन करके रख लेना है, ठीक है। ये फॉर्म है, 2 पेज का फॉर्म होता है, इसको आप प्रिंट कर लीजिए, उसके बाद इसको पूरा फॉर्म भर के साइन करके रख लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू और सबमिट करना है। प्रीव्यू और सबमिट करेंगे तो यहाँ पे जो आपने डिटेल डाली वो पूरा दिखाएगा। इसके बाद आप इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। जब आप सबमिट करते हैं तो देखिए, न्यू कनेक्शन नोटिफिकेशन हैज बीन रजिस्टर्ड, ठीक है। ये नोटिफिकेशन नंबर है, आपका जो एप्लीकेशन है वो रजिस्टर कर लिया गया है। तो यहाँ पे आपको नया कनेक्शन जो है वो अप्लाई कर दिया गया है। अब ये जो आपको कॉन्टेक्ट करेगा 2 वर्किंग डेज में, यहाँ जब आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा तो उसके बाद आप इंजीनियर से बात कर सकते हैं। वो जो जो डिटेल आपसे पूछेगा आपको बताना पड़ेगा और उसके बाद आपका जो नया कनेक्शन है वो लगने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये जो है पूरे टाइम को ये मान के चलिए कि 15 से 20 दिन लगेंगे। 15 से 20 दिन में आपका जो ये मीटर है वो आपके घर पर इंस्टॉल कर दिया जाएगा, नया कनेक्शन लगा दिया जाएगा।